आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लास्ट हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली वेजिटेटिव, उनके पार्ट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को, प्लांट्स की इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस फीचर को जो फार्मर्स हैं उन्होंने ग्रैब किया और कई प्लांट्स को हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रोपेगेट करवा सकते हैं। अब वो क्या मेथड्स होते हैं वो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कट कर लेते हैं और उसमें हम लोग डाल देते हैं कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने 11th में हमारा टॉपिक था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सिन, गिबरलिन, ज़्यादातर यही हमारे क्या होते हैं जो ग्रोथ इंड्यूस कराते हैं, करेक्ट। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ स्टिमुलेटर होते हैं, ठीक है। तो कुछ आर्टिफिशियल ग्रोथ स्टिमुलेटर भी होते हैं, ज़्यादातर वो होते हैं हमारे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ज़्यादातर हम लोग जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है आर्टिफिशियल, उसमें हम लोग ये सिंथेटिक हॉर्मोन्स डालते हैं, प्लांट सिंथेटिक हॉर्मोन्स, करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग कटिंग के थ्रू कैसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं। तो कटिंग में हम लोग कटिंग में प्लांट का या तो हम लोग रूट पार्ट भी कट कर सकते हैं या स्टेम या फिर लीफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रूट ही हो गया, अगर हमें रूट की कटिंग करनी है तो हम लोग रूट को कट करके उसमें कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि NAA या फिर NB IVA वो डाल देते हैं और कुछ टाइम के बाद इसमें क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाता है, इसकी रैपिड ग्रोथ हो जाती है और फिर क्या राइज हो जाता है, हमें एक रूट से एक नया प्लांट मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग रूट की कटिंग के थ्रू जो हमारे कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस प्लांट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर हम लोग क्या, गुआवा हो गया, इसके अंदर हम लोग रूट कटिंग के थ्रू प्रोपेगेशन करा सकते हैं। स्टेम की अगर हम लोग बात करें कि स्टैम कट करके हम लोग स्टैम को कट करते हैं और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल देते हैं जब तक कि उसमें कुछ एडवेंटिशियस रूट्स अराइज नहीं हो जाती है, ठीक है। और स्टैम कटिंग के अंदर हम जो प्लांट्स हम लोग स्टैम कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा रोज कलम, हिंदी में इसको बोलते हैं चाइना रोज, कि कलम काट के हम लोग रोज को ग्रो करा सकते हैं। रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, और इसके अलावा शुगर केन हो गया, कॉफी हो गई, ग्रेप हो गया। सी ये जो हमारा चैप्टर है इसमें ज़्यादातर ये आप लोगों को एग्जांपल्स ही लर्न करने हैं कि आप कटिंग के थ्रू किन प्लांट्स में करा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया भी। तो ये चीज़ तो हमें पता है, या तो रूट, स्टेम, ये वेजिटेटिव पार्ट कट होके हम लोग उनको करा सकते हैं, लेकिन किसके अंदर हम कौन सा मैथड यूज़ करते हैं वो आप लोगों को लर्न करना है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा लीफ हो गया, कि लीफ है, हम लीफ को किस तरह से कट करें, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स सेक्शन, सॉरी, जैसे ये लीफ है आपका तो ये वाला पोर्शन इस तरह से कट किया जाएगा, दो या तीन पोर्शन भी हम लोग इसके कट कर सकते हैं और उनको हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग उसको सॉइल के अंदर करके और उसमें डाल देते हैं कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसी में ही रूट्स अराइज हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, एक नई शूट्स अराइज होनी शुरू हो जाएंगी यहीं से, और फिर इन शूट्स को यहाँ से हटा के नर्सरी में ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे लीफ के थ्रू हम लोग करा सकते हैं वो ब्रायफाइलम जानते हो, जो पत्थरजड़ जिसको बोलते हैं ना हम लोग, हमारे घरों में कॉमनली मिल जाता है, वो ब्रायफाइलम होता है उसका साइंटिफिक नेम, एग्जाम्पल। और एक और आप लोगों को मिल जाएगा स्नेक प्लांट, ये भी आप लोगों को आपके घर में मिल जाएगी अगर आप लोग थोड़ा सा प्लांट्स के शौकीन हो तो। वो होता है ना एक ग्रीन कलर की, बहुत लंबी सी पत्ती सी होती है, उसमें थोड़े येल्लो येल्लो सी धारियाँ होती हैं,
वो स्नेक प्लांट होता है, बहुत नॉर्मली मिल जाता है, बहुत कॉमन सा होता है ये नर्सरी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं कटिंग में, हम लोग रूट की भी कटिंग कर सकते हैं, स्टेम की भी कटिंग कर सकते हैं, लीफ की भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा मेथड होता है लेयरिंग का। फर्स्ट मेथड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का जो पोर्शन है वेजिटेटिव पोर्शन उसको कट करके उसमें कुछ डाल देते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अच्छा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जानते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है भाई, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मैटर दैट इज लेयरिंग। ठीक है भाई, लेयरिंग जो हमारी होती है, बात करेंगे क्या होता है लेयरिंग। हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी माउंड लेयरिंग और एक होती है हमारी एयर लेयरिंग, या फिर जिसको हम लोग बूटी भी बोल देते हैं। ठीक है, माउंड लेयरिंग में क्या होता है, देखो माउंड का मतलब क्या होता है, टीला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट है ना उसकी लेयर को यूज करते हैं, उसको उसकी लेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, लेयरिंग कैसे कराती है, देखो माउंड लेयरिंग में जैसे हमने क्या कर लिया, हमारे पास एक प्लांट है, हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा इसकी रूट के ऊपर वाले पार्ट से जो यहां से कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करके हमने ये हमारा हो गया कट, ये वाला इसका रूट पोर्शन होता है और ये वाला इसका शूट पोर्शन, यहाँ से अबोव द ग्राउंड लेवल हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने जो ये कट पोर्शन होता है उसको हमने क्या कर दिया, माउंड बना दिया इसके ऊपर, माउंड मतलब टीला बना दिया। टीले में क्या किया हमने, जो हमने ले ली सॉइल, और सॉइल के अंदर क्या डाल दिया हमने, दिस इज द सॉइल, और उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने क्या किया, हमने टीला माउंड बनाया है और क्या किया लेयरिंग, हमने क्या कर दिया इसकी लेयर्स को कट करके उसके ऊपर माउंड बना दिया, इसलिए इसका नाम है माउंड लेयरिंग। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ से क्या राइज होनी शुरू हो जाती है, नई शूट्स निकलनी राइज हो जाती है। ठीक है, और अब इन शूट्स को हमने क्या करना है, यहाँ से कट करके नर्सरी में लगा लेना है। ठीक है, तो ये माउंड लेयरिंग के अंदर होता है। माउंड लेयरिंग हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आपकी ज्यादातर जो बेरीज होती हैं, जैसे हमारी गूसबेरीज हो गई, गूसबेरीज हो गई, हमारी ब्लैकबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, और आपकी एप्पल हो गई, इनके अंदर हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, माउंड लेयरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें माउंड बनाया है, प्लांट की लेयर्स में माउंड बना दिया हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर लेयरिंग की, या फिर जिसको हम लोग नाम देते हैं बूटी का। वैसे जो ये वाला मेथड है ना, ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एयर लेयरिंग, क्योंकि लेयर जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर वाले पार्ट में हम लोग लेयरिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते, हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट की हमारी ब्रांच जा रही है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां से इसकी जो बार्क है थोड़ी सी कट कर लेते हैं, इस तरह से ये वाला पोर्शन इसका कट कर लिया, ये कटेड पोर्शन है, और यहाँ पे इसकी ये कट पोर्शन यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसका क्या कर लिया, ये कट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस कटेड पोर्शन के ऊपर, अच्छा कैंक में कट नहीं करना है, और उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हमने भर दिया है कुछ काउडंग गोबर, खाद का काम करता है, क्ले डाल दिए है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल दिए हैं, मॉसेस डाल दिए हैं। ठीक है, ये डाल देते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, और उसके ऊपर रैप कर देंगे पॉलीथीन, इसके ऊपर क्या रैप कर देते हैं हम लोग पॉलीथीन। लगभग 2 or 3 months के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं कि वो पॉलीथीन हट के यहाँ से राइज होने लग जाती है छोटी छोटी शूट। ठीक है, अब हम यहाँ से इनको हटा के नर्सरी में ग्रो कर लेना। अब क्योंकि ये लेयरिंग कहाँ परफॉर्म की गई है, एयर, ये वाला उसमें माउंड नहीं बनाया हमने नीचे रेत में, हमने ये एयर में परफॉर्म की है, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, एयर लेयरिंग का। ठीक है, एयर लेयरिंग हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आपकी गुआवा के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी पोमग्रेनेट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, अनार के अंदर, अमरूद के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर लेयरिंग परफॉर्म।
फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर है बात. अब लेयरिंग के बाद हम लोग थर्ड जो हमारा टाइप है वो है हमारा ग्राफ्टिंग. तो ये इसके ग्राफ्टिंग और एक माइक्रो प्रोपेगेशन टाइप्स और रहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ओके, तब तक के लिए.